हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानदायिनी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत व्याकरण की शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लाया हूँ, जो आगामी सी टेट टेट नेट CRF PhD PG और UG एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है अष्टाध्यायी इत्यस ग्रंथ रचनाकार का अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है पाणिनि। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है अष्टाध्यायाम कति अध्याय, अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं? इसका उत्तर क्या है? अष्टौ, आठ। नेक्स्ट आइए देखते हैं अष्टाध्यायाम कति पादा, अध्याय में कितने पाद हैं? 32, 32। नेक्स्ट आइए देखते हैं चौथा है सिद्धांत कौमुदी इत्यस्य चैत्या कः, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? भट्टोजदित्य। नेक्स्ट है पाँचवा बाल मनोरमा टीकाया कर्ता कः, बाल मनोरमा की टीकाकार कौन है? वासुदेव द्वितीय। नेक्स्ट है छठवां तत्वबोधिनी व्याख्याया कर्ता क्या, तत्वबोधिनी की व्याख्याकार कौन है? श्री ज्ञानेन्द्र तुष्टी। का उत्तर क्या है? श्री ज्ञानेन्द्र तुष्टी। नेक्स्ट आइए देखते हैं सातवां है प्रक्रिया कौमुदी इत्यस्य ग्रंथस्य कर्ता क्या, प्रक्रिया कौमुदी के ग्रंथकार कौन है? रामचंद्र। नेक्स्ट है आठवां अष्टाध्यायाम प्रत्याहार सूत्राणि कति, अष्टाध्यायी में प्रत्याहार कितने सूत्र हैं? इसका उत्तर है चतुर्दश। नेक्स्ट है प्रत्याहार सूत्रेश को यम वर्णा दूर्यन बद्धते, इसका उत्तर क्या है? अकारः। नेक्स्ट है दसवां प्रत्याहार सूत्रेश को यम वर्णा द्विरूपदिष्ट है, उत्तर क्या है? सकार है। नेक्स्ट है ग्रामा किमर्थमुपदिष्टान प्रत्याहार सूत्राणि, इसका उत्तर क्या है? अड़ुदिश प्रत्याहार संज्ञार्थानि। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बारहवा वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम, वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम, इसका उत्तर क्या है? व्याकरणम। तेरहवा है यहाँ प्रश्न क्या है हकारादिषु अकार किमर्थम, इसका उत्तर क्या है? उच्चारार्थ है। नेक्स्ट है चौदहवा सूत्राणाम प्रकार कति केते, सूत्राणाम प्रकार कति केते, मतलब सूत्रों के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से हैं, इसका उत्तर क्या है? सप्त। सूत्राणाम कति प्रकार सप्त, सप्त में क्या है? संज्ञा परिभाषा विधि नियम निषेध अतिदेश अधिकार, ये सूत्रों के प्रकार हैं। नेक्स्ट है वो सात प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है पंद्रह प्रश्न व्याकरण कति संप्रदाय संत, व्याकरण के कितने संप्रदाय हैं, इसका उत्तर क्या है? अष्टौ, आठ संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है सोलहवा किम नाम संज्ञा सूत्रम संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम, किम नाम संज्ञा सूत्रम, इसका उत्तर क्या है? संज्ञा संघ संबंधम संज्ञा संघ संबंध बोधकम सूत्रम, संज्ञा सूत्रम। नेक्स्ट है सत्रहवा प्रश्न किम नाम परिभाषत्वम अनियमे नियम कारिणित्व, परिभाषत्वम अनियम को नियम नियम करना ही परिभाषा है, किम नाम परिभाषत्वम अनियमे नियम कारिणित्व परिभाषत्वम, इसका उत्तर क्या है? अनिमे नियम कार्यत्वम। नेक्स्ट है अठारहवा प्रश्न किम नाम विध सूत्रम, विध सूत्र क्या है? आगम आदेशादि विधायकम सूत्रम, आगम आदेशादि विधायक सूत्रम विध सूत्रम। नेक्स्ट है उन्नीसवा संप्रति व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथ कह, संप्रति व्याकरण से प्रतिनिधि ग्रंथ का शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम अष्टाध्याय अष्टाध्यायी का नाम शब्दानुशासन ही है, जो व्याकरण शास्त्र का प्रतिनिधि ग्रंथ है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आइए देखते हैं बीसवा है को नाम नियम है सिद्धे सती आरभ्यमाण विधि नियम है, को नाम नियम है, नियम क्या है? सिद्धे सती आरभ्यमाण विधि नियम है। नेक्स्ट है 21 को नाम अतिदेश है, अतिदेश क्या है? अविद्यमान से धर्म से विद्यमानत्व विद्यमानत्व कल्पनम, अविद्वान का विद्यमान मतलब कल्पना करना ही
अति देश है। उत्तर क्या होगा, अविद्यमानस धर्मस्य विद्यमानत्वं कल्पनम। किम नाम, नेक्स्ट है 22, किम नाम अधिकारत्वं, अधिकार क्या है, स्वदेश फल शून्य शून्यत्वे सति उत्तरत्र फलजनकत्वं। किम नाम अधिकारत्वं स्वदेश फल शून्यत्वे सति उत्तरत्र फलजनकत्वं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं क्या है 23, अष्टाध्याया प्रथम सूत्रम किम, अष्टाध्यायी प्रथम सूत्र क्या है, वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। नेक्स्ट है 24, अंत्यहलाम इति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, अंत्यहलाम इति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, इसका उत्तर क्या है, हलंत्यम, हलंत्यम इति संज्ञा विधायक सूत्रम। नेक्स्ट है 25, अनुनासिकाचायाम इति संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, उपदेशे अनुनासिक इति, उपदेशे अनुनासिक इति, उपदेश अनुनासिक है। नेक्स्ट है 26, आदिरंतेन संहिता इस सूत्रेण किम विधीयते, आदिरंतेन संहिता इति सूत्रेण किम विधीयते, प्रत्याहार संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा का आदिरंतेन संहिता ये सूत्र, ये परिभाषा सूत्र है। प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणे किं प्रमाणं, प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणे किं प्रमाणं, अनुनासिक इत्या इत्यादि निर्देशः, अनुनासिक इत्यादि निर्देशः, प्रत्याहारेषु इतां ग्रहणे किं प्रमाणं, अनुनासिक इत्यादि निर्देशः। नेक्स्ट आइए देखते हैं 28 है, हर्ष कस्य हर्ष दीर्घ कुलुत इति संज्ञा, संज्ञा एक मात्र कालिकस्य अच हर्ष इति, जिसकी एक मात्रा होती है उसको क्या कहते हैं, अच को हर्ष कहते हैं। द्वि मात्रा अधि कालिकस्याच दीर्घ इति, जिसकी दो मात्रा होती है उसे दीर्घ कहते हैं। त्रि मात्रा कालिकस्य अच अच पुलुत इति संज्ञा, उसकी दु संज्ञा होती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है 29 है, अनुनासिक संज्ञा सूत्रम किम, मुख नासिका वचनों अनुनासिक, अनुनासिक मुख और नासिका के द्वारा जो बोला जाता है वही अनुनासिक है। फ्रेंड्स, अगर यह मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप में, हर जगह जहां संभव हो शेयर करें, जिससे और अधिक से अधिक मित्रों को लाभ हो। और कोई त्रुटि हो तो कमेंट करें, कमेंट ही से ही मुझे फीडबैक मिलता है, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।